अब बाजार पर हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा इसराइल हमास के इस युद्ध की वजह से। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 65,512 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 141 अंक गिरकर 19,500 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी 474 अंक गिरकर 43,880 के पार बंद होने में कामयाब रहा। दिन भर कैसा कारोबार रहा बाजार में, कहां उठापटक ज्यादा थी, बता रही है हमारी सहयोगी नुपुर। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है हफ्ते की। यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आज आपको गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर द वीकेंड इसराइल और हमास का जो हमने युद्ध देखा है, वहाँ पे जो हमले लगातार चल रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटीज, साथ ही साथ हमारे यहाँ कमोडिटी और इक्विटी बाजार में दबाव देखने को मिला है। निफ्टी देखे तो वहाँ पे आपको 0.5% की गिरावट नजर आएगी। बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट थी, 1% से ज्यादा की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो जिसका प्रेशर आते हुए आज नजर आ रहा था। काफी सारे सेक्टर्स थे फोकस में, इजराइल का जिनका जहां पे एक्सपोजर है वो भी आज फोकस में आते हुए नजर आए, और खबरों के दम पे भी काफी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहे। शुरुआत करते हैं लूजर्स के साथ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स देखे तो करीबन 5% का कट आपको यहाँ पे दिखेगा। हीरो मोटो, एचडीएफसी लाइफ और एमएनएम देखे तो आपको 2 से 2.5% का कट इन काउंटर्स पर भी दिन के दौरान देखने को मिला। लेकिन गेनर्स के लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज आज निफ्टी का टॉप गेनर था। पूरे दिन यहाँ पे बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर और टीसीएस भी देखे तो आपको पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए आज के दिन नजर आएंगे। लूजर्स के लिस्ट में बैंक्स आपको सबसे ऊपर दिखेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला और छोटे मझोले बैंक्स में ज्यादा दबाव था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया। जीएमआर, एयरपोर्ट, सेरकर इंटरनेशनल और सेनको गोल्ड में देखे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली। लेकिन गेनर्स के लिस्ट में ऑयल इंडिया एक इकलौता ऑयल बेस्ड कंपनी था। क्रूड में जो बढ़त आज हमने देखी, उसका इम्पैक्ट बाकी के जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है उन पर आते हुए दिखा। लेकिन ऑयल इंडिया सरप्राइजिंगली 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। M6 की जो एक्सक्लूसिव हमारी खबर थी प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर, वहाँ पर भी 2% की बढ़त आती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट में भी आज कमजोरी थी, स्मॉल एंड मिड कैप में भी कमजोरी आते हुए नजर आए, तो मार्केट ब्रेथ आज थोड़ी नेगेटिव ही रही। लूजर्स के लिस्ट में जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, यूको बैंक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एनबीसीसी के काउंटर्स थे, जहां पे 5 से 9% के कट्स देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ आईटीआई लिमिटेड, केयर रेटिंग्स, क्विक हिल टेक्नोलॉजी और आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो आपको 4 से 13% के बड़े गेंस इन काउंटर्स पे आते हुए नजर आए। तो कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है इस हफ्ते की। इसराइल और हमास का जो के जो हमले लगातार वहां पे चल रहे हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स हो या इंडियन मार्केट्स, थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है।